फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्सा मैथ्स क्लासेस पर टोपोलॉजी so, में आज देख लेते हैं क्यूरा तो की क्लोजर एक्सियम्स। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या हुआ करता था वो सेट सच दैट ए क्लोजर से उसे डिनोट करते थे एंड इट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग एंड सच दैट एफ इज क्लोज ये था हमारे पास क्लोजर ऑफ ए सेट अब है हमारे पास क्यूरातोस की क्लोजर एक्सियम्स इसके चार एक्सियम्स हैं ये स्पेशली नाम से भी आ जाते हैं दैट स्टेट एंड प्रूफ क्यूराथोस तो की क्लोजर एक्सियम्स या फिर इनकी स्टेटमेंट आपको दे देंगे और आपको प्रूफ पूछ लेंगे और तो देखो क्या होते हैं लेट एक्सकोमटाओ बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सकोमाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है देन तो ये होते हैं चारों के चारों क्यूरातोस की चारो, क्यूरा तो क्लोजर एक्सियम्स फर्स्ट है फाइव क्लोजर इक्वल्स टू तो फाइव सेकेंड है ए इज कंटेंड इन ए क्लोजर फॉर ईच ए कंटेंड इन एक्स थर्ड है ए क्लोजर का क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर फॉर ईच ए कंटेंड इन एक्स फोर्थ है ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर फॉर ईच ए बी कंटेंड इन एक्स ये सारे के सारे जो इंटीरियर एग्जाम्स थे उनके ही जैसे हैं देखो फर्स्ट से देखो फाइव क्लोजर इक्व टू फाइव था इसमें क्या है एक्स क्लोजर इक्व टू एक्स सेकेंड है ए इज कंटेंड इन ए क्लोजर इसमें है ए इंटीरियर इज कंटेंड इन ए ए इंटीरियर का इंटीरियर इक्वस टू ए इंटीरियर और यहाँ पे है ए क्लोजर का क्लोजर इक्व टू ए क्लोजर सारी चीज़ वही है बस ये क्लोजर के लिए है और ये इंटीरियर के लिए था यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन के लिए इक्वलिटी है वहाँ यूनियन वाली इक्वलिटी नहीं थी यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली इक्वलिटी नहीं होगी देखो फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं सिंस एक्स इज ओपन एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो ओपन होगा सो so, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फाइव इज क्लोज तो हमारे पास यहाँ से हो गया कि फाइव क्लोज्ड है फाइव क्लोज है तो उसका क्लोजर इट्स के इक्वल होगा क्योंकि

ए एफ में कंटेंट है और ए क्लोजर क्या है इन सभी का इंटरसेक्शन तो ए इन सभी के इंटरसेक्शन में यानी ए क्लोजर में भी कंटेंट होगा सो ए इज कंटेंट इन ए क्लोजर तो यही था सेकंड थर्ड देखो ए क्लोजर का क्लोजर इक्व टू ए क्लोजर फॉर ईच ए कंटेंट इन एक्स ए क्लोजर हमारे पास क्लोज सेट्स होता है किसी के भी ऊपर क्लोजर लखा हो वो हमारे पास क्लोज ही है अब देखो वो थी जैसे ए इज क्लोज ए क्लोजर इक्व टू ए तो ऐसे ही वही इसमें यूज हो जाएगी दैट इसमें बस एक के प्लेस पर ए क्लोज़र पहले से ही है तो ए क्लोज़र हमारे पास क्लोज होता है सो so, इसका क्लोज़र इक्वल हो, इक्वल होगा इसके ही सो so, ए क्लोजर का क्लोज़र इक्वल टू ए क्लोज़र फोर्थ है ए यूनियन बी क्लोजर इक्व टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोज़र फोर ईच ए बी कंटेंट इन एक्स तो ये एक देखो ए हमारे पास कंटेंट होता है ए यूनियन बी में तो ए क्लोज़र कंटेंट होगा ए यूनियन बी क्लोजर में सिमिलरली बी हमारे पास कंटेंट होगा यूनियन बी में तो बी क्लोजर so, भी कंटेंट होगा ए यूनियन बी क्लोजर में सो ए क्लोज़र देखो ए क्लेजर क्लोजर कंटेंट है ए यूनियन बी क्लोजर में बी क्लोजर भी कंटेंट है यूनियन बी क्लोजर में तो इन दोनों का यूनियन कंटेंट होगा यूनियन बी क्लोजर में सो ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोजर इज कंटेंट एंड ए यूनियन बी क्लोजर नाउ ए क्लोज़र एंड बी क्लोजर आर क्लोज सैट्स ये दोनों हमारे पास क्लोज्ड सेट्स हैं कंटेनिंग ए एंड बी सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज ऑल्सो क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी कि ए क्लोजर और बी क्लोजर हमारे पास क्लोज सेट थे जो कि ए और बी को कंटेन कर रहे थे तो इन दोनों का यूनियन भी क्लोज्ड होगा इन दोनों के यूनियन को कंटेन करेगा बट ए यूनियन बी क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट पर हमारे पास ये तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी जो कि ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है जब ये स्मॉलेस्ट है तो ये इसके अंदर कंटेंट होगा सो ए यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर एक इक्वेशन ये थी एक ये है दोनों से हमारे पास इक्वलिटी हो जाएगी सो ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर तो हमारे पास चारों एग्जाम्स यही हैं एक टर्म और है फिफ्थ वो मतलब इनसे रिलेटेड है कि यहाँ पे तो देखो यूनियन इक्वल है पर जो इंटरसेक्शन वाली टर्म होती है वो इक्वल नहीं होती तो देखो इंटरसेक्शन वाली का क्या फंडा है इफ ए बी आर सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स अगर ए और बी हमारे पास सबसेट्स हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेंड होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में ना कि इक्वलिटी होती और एक एग्जाम्पल भी दिखाना है कि इक्वल नहीं होते तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कंटेंड ए में बहुत साइड अगर हम क्लोजर लगा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेंट होगा ए क्लोजर में सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट होगा बी में तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेंट होगा बी क्लोजर में सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज कंटेंट इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो ये तो हो गया प्रूफ अब हमें एक एग्जाम्पल और दिखाना है सच देट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो उसके लिए एक्स हमने टोपोलॉजिकल स्पेस लिया ए बी सी टाओ एक टोपोलॉजी ली फाइव कोमा एक्स कोमा ए कॉमा ए बी कोमा ए सी सी तो एक्स माइनस टाओ निकाल लो क्योंकि यहाँ पे क्लोजर की बात हो रही है तो क्लोजर निकालना पड़ेगा और क्लोजर के लिए एक्स माइनस टाओ जरूरी है क्योंकि क्लोज्ड सेट्स तभी निकलते हैं यह तो ओपन सेट्स हैं क्लोज निकालने के लिए एक्स माइनस टाओ टाओ के हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो फाइव एक्स में से फाइव जाएगा एक्स एक्स में से एक्स फाइव एक्स में से ए जाएगा तो बी सी एक्स में से ए बी जाएगा तो सी एक्स में से ए सी जाएगा तो बी देन ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स ए ले लिया हमने बी ले लिया तो अब हम देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके उसका क्लोजर निकाल लेंगे और एक बार सेपरेटली ए क्लोजर निकालेंगे बी क्लोजर निकालेंगे फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाएंगे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो देखो ए क्लोजर निकालेंगे जब हम ए क्लोजर क्या होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सैट्स कंटेनिंग दिस ए एंड एफ इज क्लोज तो यहाँ से आएगा एफ हमारे पास और उन सभी का इंटरसेक्शन होगा जो सब हमारे पास इस ए को कंटेंट कर रहे होंगे तो किस किस में ए कंटेंट है एक्स में कंटेंट है बस इस एक्स में ही हमारे पास ए कंटेंट है तो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स तो अकेला आई है तो ही आ जाएगा ये क्लोजर बी क्लोजर देखो अब बी क्लोजर कौन सा होंगे कौन से होंगे इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स विच कंटेन्स बी सी तो एक तो एक्स है एक बी सी है जब एक्स इंटरसेक्शन बी सी करेंगे तो बी सी आ जाएगा सो बी क्लोजर इक्वल्स टू बी सी सो दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आएगा बी सी तो ये आ गया अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में बी है तो बी आ जाएगा उस का क्लोजर चाहिए तो बी का क्लोजर वो उन सारे इन उन सारे क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन जो इस बी को कंटेन करते हो एक्स इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बी आएगा तो इन सब बी के इंटरसेक्शन में बी है तो ये बी आ गया अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो आया बी और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर है बी कॉमा सी तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है तो हमें यही शो करना था हेन्स प्रूव